हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट चैनल। वुमेन्स बिग बैश लीग सीजन नंबर 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें 22 कंट्रीज ने अपने नाम दिए थे, जिसमें से 161 प्लेयर्स थे ड्राफ्ट में। लेकिन अगर हम बात करें, 8 प्लेयर्स ऑलरेडी प्री साइन थे, जिसमें से एक इंडियन थी, वो भी स्मृति मंदाना, जो कि लेफ्ट हैंडेड ओपनर है इंडिया की। वो एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उनको साइन किया था बिफोर दिस ड्राफ्ट। लेकिन अगर हम ड्राफ्ट की बात करें तो 19 प्लेयर ने अपना नाम दिया था, जिसमें से 5 इंडियन सेलेक्ट हुए हैं। सो अगर हम अब बात करेंगे कि कौन से 6 प्लेयर्स हैं, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर। सो सबसे पहले बात करेंगे इंडियन ऑलराउंडर के बारे में, जो कि दीप्ति शर्मा है, जो कि पिक नंबर 4 बने थे। राउंड 1 में पिक नंबर 4 मेंबल स्टार्क्स के पास था एंड उन्होंने दीप्ति शर्मा को अपना पहला पिक बनाया। काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं दीप्ति शर्मा का आया था द 100 टूर्नामेंट में, जो कि विजेता टीम रही थी लंदन स्पिरिट्स, उनका वो हिस्सा थी। एशिया कप के दौरान उन्होंने एक दो मैचेस छोड़े थे, पर जब वो वापस आए तब उन्होंने एकदम ही कमाल का प्रदर्शन दिया। बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी उनका बहुत अच्छा हाई परफॉर्मेंस रहा था। सो कंसिडरिंग दैट, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा। एंड मेलबर्न स्टार्स की अगर बात करें तो वहां पे मैग लेनिंग, जो कि ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि लंदन स्पिरिट्स का भी हिस्सा थी, सो उनके साथ हम कह सकते हैं दोबारा उनका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एंड आगे हम बात करते हैं जेमिमा रॉड्रिक्स की, जो पिक नंबर 7 थी एंड ब्रिस्बेन हिट ने उनको पिक किया था। अगर हम देखें तो हाल ही फॉर्म अभी WCPL में काफी अच्छा प्रदर्शन था, उसके पहले WPL में भी काफी डिसेंट प्रदर्शन था, कंसिडरिंग जिस पोजीशन पे दीप्ति माफ करेगा जेमिमा बैटिंग करती है। एंड अगर हम देखें तो इसके पहले भी उन्होंने WBPL का हिस्सा रही है, वो जहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए रिप्रेजेंट किया है, स्टार्स के साथ अपनी शुरुआत करी थी। एंड उस लिहाज से काफी कम बैटर्स हैं जो मिडल ऑर्डर में आके इस फॉर्मेट में रन बनाती है, एंड हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि जेमिमा इज वन ऑफ दोस। उस लिहाज से एक काफी अच्छी पिक बोल सकते हैं ब्रिस्बेन हिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। या एक अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। एंड उनके अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो ब्रिस्बेन का हिस्सा है, तब हम बात करेंगे शिखा पांडे की, जिनको पिक किया गया था ब्रिस्बेन द्वारा इन पिक नंबर 15। ये राउंड 2 जब स्टार्ट हुआ तब पिक नंबर 15 शिखा पांडे बनी। सो वहां पे वो जो ट्रायो था, जो हम कह सकते हैं जेस जॉनसन, जिनको हम जानते हैं कि वो ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा है, सो उनके साथ जेमिमा रॉड्रिक्स, शिखा पांडे एंड जेमी एंड जेस जॉनसन, ये तीनों का जो ट्रायो है वो दिल्ली कैपिटल्स WPL से चलता आ रहा है। देन दे परफॉर्म टुगेदर इन दी WCPL, जो हमने देखा त्रिबैंगो नाइट राइडर्स को तीनों ने रिप्रेजेंट किया था। नाउ दिस ट्रायो इज बैक इन द WBBL विद ब्रिस्बेन हीट। एंड सही मायनों में इंटरेस्टिंग रहेगा कि इन तीनों का प्रदर्शन कैसा रहा है, खास करके पिछले 2-3 अलग अलग फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट्स में देखा है। लेकिन अब आगे बात करता है दयालन हेमलता, जो राउंड 3 में पिक करी गई थी एंड पर्थ स्कॉर्चर्स ने उनको पिक किया था। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग पिक था उस लिहाज से अगर हम देखें तो, बिकॉज थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन दयालन हेमलता, लाइक लेट्स नॉट फॉरगेट कि उनका खास करके जो टेक्निकी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक शी इज क्वाइट परफेक्ट, एंड उस लिहाज से एक अच्छी पिक हो सकती है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी हमने इनको पहले देखा है, हालांकि ये WBPL में अब ये इनका पहला एडिशन रहेगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, खास करके वर्ल्ड कप के बाद है तो उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा फॉर्म लेके जाए उस अपने पहले एडिशन के लिए जो WBPL का होगा इनका। सो नाउ मूविंग ऑन टू यस्तिका भाटिया, जिनको पिक किया गया था मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। सो हम कह सकते हैं कि मेलबर्न स्टार्स ने दीप्ति शर्मा एंड यस्तिका भाटिया दो इंडियंस को चूज किया अपने 3 पिक्स में से, एंड पिक नंबर 21 थे यस्तिका भाटिया। एंड अगर हम बात करें कि वो इंजर्ड थे एंड इंडिया टीम में भी अभी उनका नाम ऐसा है कि इंडियन मतलब जो रिजर्व प्लेयर्स में मतलब वो हो सकते हैं, बिकॉज उनका सब्जेक्ट टू फिटनेस आया था यस्तिका भाटिया का, बट कंसिडरिंग उनको पिक किया गया है मेलबर्न स्टार्स से, सो मे भी तब तक उनका इंजरी ठीक हो जाए। बट हम जानते हैं यस्तिका भाटिया किस लिहाज की प्लेयर है, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनकी तरफ से। उन्होंने हमने देखा कि मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने काफी अच्छा एक ओपनिंग प्रदर्शन दिया है, हमेशा स्टार्टिंग का एक अच्छा, एंड वो लेफ्टी का जो उनके पास एक बैक है वो काफी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि स्टार्स में शी कैन ओपन विद मेग लेनिंग, एंड वहां पे एक परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ सकता है। यस्तिका भाटिया एंड मेग लेनिंग की जोड़ी हमें देखने को मिल सकती है, सो वो एक अच्छा हम कहेंगे परफॉर्मेंस टू वॉच आउट रहेगा।
एंड अब हम आगे बात करते हैं जो आखिरी प्लेयर थी, हालांकि प्री साइन प्लेयर थी स्मृति मंदना, लेकिन एडलेब स्ट्राइकर्स ने तीसरे राउंड में हमें उनको उन्होंने सिक्योर किया। एंड अगर हम स्मृति के बारे में देखें तो हाल ही में आई थिंक एक काफ़ी ड्रीम फॉर्म उनका इंडिविजुअली चल रहा है, एंड आई थिंक उम्मीद भी करेंगे कि वर्ल्ड कप में भी और वर्ल्ड कप के बाद भी खास करके, बिकॉज वहाँ पर दिखेंगी, इसके पहले भी WBBL खेलने का एक्सपीरियंस है। अगर हम देखें तो हरमनप्रीत पहली प्लेयर थी जो WBBL में थी, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदना वॉज ओनली द सेकेंड प्लेयर जो WBBL का हिस्सा बनी। उस लिहाज से बहुत सारे टीम्स के लिए खेला भी है एंड अलग अलग एडिशंस में, जहाँ पे सिडनी थंडर्स रही है एंड इवन हम देखे तो रन्स भी बनाए अलग अलग एडिशंस में, तो उस लिहाज से आई थिंक ये काफी अच्छी पिक एंड लोरा के साथ ओपनिंग है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इवन जो न्यूट्रल फैंस है आई थिंक काफी हद तक एंजॉय करेंगी स्मृति मंदना और ये एक्साइटिंग ओपनिंग डियो को आने वाले वुमेन्स बिग बैश लीग में। या एक काफी अच्छा डुओ हमें देखने को मिल सकता है, लॉरा वुल्फार्ट एंड स्मृति मंदना, तो बेस्ट ओपनर्स की अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका एंड इंडिया की तरफ से, सो दोनों का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से कैसा परफॉर्मेंस है, प्लस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ एडिलेड स्ट्राइकर्स ने किसी इंडियन को साइन किया है, सो वो भी काफी इंटरेस्टिंग पिक था। तो हम फाइनल सिक्स इंडियंस की अगर बात करें तो स्मृति मंदना जो की प्री साइन प्लेयर थी एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, देन ब्रिस्बेन हीट ने जेमी रॉड्रिक्स को साइन किया, देन दीप्ति शर्मा स्टार्स में गई, मेलबर्न स्टार्स में यस्तिका भाटिया भी है एंड शिखा पांडे वो भी ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा है, एंड दयालन हिमलता ये काफी इंटरेस्टिंग पिक था, सो ये पर्थ स्कॉचेस का हिस्सा बने। सो ये तो थे वो सिक्स इंडियंस जो कि वुमेन्स बिग बैश लीग सीजन नंबर 10 का हिस्सा बनेंगे। सो आप और हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए एंड जो भी वीडियोज होंगी वुमेन्स बिग बैश लीग से वो भी कोई अपडेट आप मिस नहीं करेंगे, एंड don't forget to like, share and subscribe to Female Cricket. Thank you guys for watching.